स्टेट बैंक के मजकूरा फैसले से मुल्की ज़रअ मुबादला के जो ज़खायर हैं उस पर दबाव आने के खतरात पैदा हो गए हैं, जिसके नतीजे में इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की तलब में इजाफा और ओपन मार्केट में खतरात का जिक्र किया कीजिएगा, कौन कौन से खतरात, किस तरह के खतरात हो सकते हैं ज़रअ मुबादला ज़खायर के हवाले से? जी, ये जो जो पाकिस्तान से बैरूनी मुल्क सफर पर जाने वाले जो पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड सार्फीन हैं, उनके बैरूनी मुल्क ममालिक में जो खरीदारी सरगर्मियां होंगी, उनकी जो अदायगियां अगर वो क्रेडिट कार्ड से करेंगे ला महाला, वो उनका तमाम दबाव इंटर बैंक मार्केट पर आएगा। और यही जो इंटर बैंक मार्केट पर दबाव आने से जो डॉलर का जो तलब और रसद का तवाजन है वो जो पहले से ही बिगड़ा हुआ है, इनफ्लोज न आने की वजह से, ज़रअ मुबादला का बहरान बरकरार रहने की वजह से, वो डॉलर की कदर में इजाफे का बायस बनेगा और ज़रअ मुबादला के ज़खायर पर दबाव का भी बायस बनेगा। एहतिशाम बताइएगा इस हवाले से क्या अब हिकमत अमली अपनाई जाएगी, आगे बजट भी आ रहा है और डॉलर की यकीनन ये जो कीमत है उसमें एकदम से कमी आई है, मजीद जो है वो क्या मईशत पर इसके असरात हो सकते हैं? जी, फिलवक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जो क्रेडिट कार्ड की जो सेटलमेंट की सहूलत है, जो क्रॉस बॉर्डर है, क्रॉस बॉर्डर जो अदायगियां होंगी उसकी सेटलमेंट की जो मुद्दत है वो 31 जुलाई तक ठीक है महदूद रखिएगा।